प्रदेश में लापरवाह सरकार, लापरवाह प्रशासन, जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह ने कहा। मुरादाबाद के कचहरी परिसर में पिछले 20 दिनों पर धरने पर बैठे पीड़ित परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी जताते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लापरवाह सरकार चल रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन भी पूरी तरह से लापरवाह हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों से महिला धरने पर बैठी है, लेकिन सरकार और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दें, संबल जनपद की थाना घनौरा निवासी पीड़ित परिवार 14 जुलाई से SSP ऑफिस के बाहर धरने पर अपनी 13 वर्षीय पुत्री की बरामदी और आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठा है, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के दोनों हाथ खाली हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को लापता हुए 7 महीने बीत चुके हैं और हमें धरने पर बैठे हुए 20 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस को हमारी बेटी और आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इसी के चलते आज मंगलवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता द्वारा पीड़ित परिवार को समर्थन दिया गया है। जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार लापरवाह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिला और बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी फर्जी नारा लगा रखा है भाजपा सरकार ने। उन्होंने कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन प्रशासन की ढील के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को लेकर कहा कि अगर DM, SSP और मुख्यमंत्री मामले का संज्ञान लें तो अपहरण हुई किशोरी को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुरादाबाद UP से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, आप देख रहे हैं, ये बेचारी 13 साल की शोभिता बच्ची लगातार बहुत दिनों से इनके घर परिवार के लोग दर दर कभी SSP के पास, कभी DM के पास, कभी कहीं कहीं जा रहे हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। पूरे पीड़ित परिवार के दुख में कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के लोग, हम महानगर और सब लोगों ने इकट्ठे होकर समर्थन आज इनको दिया। जहां भी इनको ज़रूरत होगी, समाजवादी पार्टी पूरा परिवार इनके साथ खड़ा हुआ। जिला प्रशासन की ढील है, जिला प्रशासन अगर चाहें तो बरामद कर सकते हैं बेटी को। ऐसा कोई है कि अगर SSP और DM और सब लोग संज्ञान लें और नहीं बरामद हो, उत्तर प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उनके माँ बाप लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, धर धर भगट रहे हैं, सब जगह मुख्यमंत्री के हैं, सब जगह पोर्टल पर, सब जगह शिकायत कर रहे हैं, तो इस चीज़ का संज्ञान लेंगे तो ऐसा नहीं है कि बच्ची को कहीं बरामद नहीं किया जाए। पर लापरवाह है सरकार उत्तर प्रदेश की, लापरवाह प्रशासन है, नहीं तो इनका एक ये फर्जी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर माँ बेटियों की क्या हालत हो रहा है, न बेटी सुरक्षित है, न कुछ है, न कोई सुनने को तैयार है। 13 साल की बच्ची के साथ ये व्यवहार हो रहा है, तमाम आए दिन हत्या लूट बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, बहुत खराब सरकार चल रही है, फिर झूठे फर्जी। देखिए, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, वो पीड़ित परिवार को पता होगा, उनकी बात हुई होगी, मेरी उसमें संज्ञान नहीं आया कोई भी। ऐसा होता तो हम उसके खिलाफ़ SSP साहब से शिकायत करेंगे, उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।